स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि। देखो ये जो हम accused of an offense कह रहे हैं, यानी ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं किसी अपराध के अभियुक्त, तो by accused of an offense we mean, हमारा मतलब क्या है? अगर हम सेक्शन 25 के रिस्पेक्ट में देखें तो accused of an offense या a person accused of an offense का मतलब हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया और उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस पेश किए गए हों। तो एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है और जिसके अगेंस्ट में एविडेंसेस पेश किए गए हैं, उस पर्सन को हम कहेंगे पर्सन accused of an offense। एविडेंस लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 25 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे। अपने प्रीवियस चार लेक्चर्स में हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे, प्रॉपर इलस्ट्रेशंस को समझा, हमने सेक्शन 24 से डील किया। आज हम कन्फेशन के सेक्शन 25 से डील करेंगे, राइट? देखो हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 क्या कहता है। हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 कहता है कन्फेशन made to police officer shall not be proved as against a person accused of any offense। तो एक person जो किसी भी offense के regard में accused है, अगर वो confession करता है police officer के सामने, तो उसका confession उसके against एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। शैल नॉट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 25 कहता है कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं होता है, एंड इट शैल नॉट बी ट्रीटेड as evidence against person making confession। तो accused का confession उसके against में evidence के तौर पे नहीं माना जाएगा if he is confessing before police officer, right? अच्छा section 24 में हमने ये जाना कि confession caused by inducement, threat, promise by person in authority is not relevant, relevant नहीं होता, ठीक है? अब देखो तो सिंपल सेक्शन 25 कहता है कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड एज इट शैल नॉट बी प्रूव्ड as against a person
accused of any offense. Accused of any offense. Right, अब देखो तो सिंपल, एक पर्सन जिसके ऊपर ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगे हुए हैं वो कन्फेशन देता है बिफोर द पुलिस ऑफिसर, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा. राइट, अब एक केस है राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. आपकी बेयर एक्ट में ये केस दिया हुआ है, ठीक है? तो इसके कंटेंट को आप अपने बेयर एक्ट से देख लेना. हम इस केस को केवल समझेंगे. राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. देखो, इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस महमूद जे ने ये कहा कि ये जो सेक्शंस हैं कन्फेशन के, विच इज सेक्शन 24, 25 and 26, ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 24, 25 and 26, इन सेक्शंस के जो प्रोविजन हैं वो किसी प्रकार का मुझ में सस्पिशन क्रिएट नहीं करते हैं. सेक्शन 24, 25, 26 जो बेसिकली कन्फेशन के बारे में बात करता है बिफोर द पुलिस ऑफिसर और बिफोर द पर्सन इन अथॉरिटी, इन सेक्शंस के जो प्रोविज़न हैं वो मेरे में, मुझ में किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा नहीं करते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ऑफन मिसडीड्स टू गेट रिवॉर्ड बाय लेजिस्लेचर. ऐसा कई बार देखा गया है कि पुलिस इलीगल एक्ट करती है अपने लेजिस्लेचर को खुश करने के लिए, अपने विधानमंडल को खुश करने के लिए, उससे रिवॉर्ड पाने के लिए. और कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पुलिस एक्यूज्ड को फोर्सफुली कन्फेशन कराती है. आप भी इस बात से अवगत हो कि पुलिस का जो रवैया रहता है वो ज़्यादा कठोर रहता है, ठीक है? तो इस चीज़ को कोट करते हुए महमूद जे ने ये कहा कि पुलिस ऑफिसर हमेशा इलीगल एक्ट करती है. हालांकि सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं है, ये जस्टिस महमूद जे ने कहा था राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि पुलिस ऑफिसर फोर्सफुली एक्यूज्ड से कन्फेशन कराती है, ठीक है? तो इसलिए कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलेवेंट एंड इट शैल नॉट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. राइट, देखो जो सच्चाई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में क्या एविल चीज़ है और क्या गुड चीज़ है. राइट, तो उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाते हैं. अब देखो एक चीज़ क्लियर कर लो, हु इज अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कौन है, किन्हें हम पुलिस ऑफिसर कहेंगे? तो राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो पहला केस है आपका राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. नाउ अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, वो क्लियरली ये बताता है
कि किस पर्सन को हम पुलिस ऑफिसर कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फेशन के बारे में बात किया जा रहा है बिफोर द पुलिस ऑफिसर। तो ये क्लारीफाई होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर हम किस पर्सन को कहेंगे, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम सिमान के केस में ये इंटरप्रेट किया गया कि पुलिस ऑफिसर हम किन पर्सन्स को कह सकते हैं। केस है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम सिमान, इसमें कहा गया इन ऑर्डर टू असर्टेन एज टू हु इज अ पुलिस ऑफिसर एंड हु इज नॉट। तो ये निर्धारित करने के लिए कि कौन पुलिस ऑफिसर है और कौन नहीं है, इट इज इम्पॉर्टेंट हियर टू नोट दैट वॉट आर देयर फंक्शंस राइट्स एंड ड्यूटीज एंड नॉट बाई वॉट नेम ही इज कॉल्ड और वॉट ड्रेस ही शी वियर्स। तो ये डिटरमाइन करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि कौन पुलिस ऑफिसर है और कौन नहीं है, हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन इन अथॉरिटी का क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, ना कि इस बात पे कि उसने कौन सा ड्रेस पहना है और किस नाम से उसे बुलाया जा रहा है। और आगे इसी पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 25, उसके तहत पुलिस ऑफिसर ये पर्सन्स हो सकते हैं। पहला पटेल इन बॉम्बे, बम्बई में पुलिस पटेल, क्योंकि ये जो एक्ट है वो 1872 का है। तो उस पर्टिकुलर ईयर के सिनारियो में आप देखोगे तो उस समय पुलिस को बम्बई में पटेल पुलिस कहा जाता होगा, ठीक है। तो पटेल इन बॉम्बे, दूसरा पुलिस सब इंस्पेक्टर, तीसरा पुलिस हेड कांस्टेबल और चौथा चौकीदार, दीज पर्सन्स शैल बी कंसीडर्ड एज पुलिस ऑफिसर एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। अच्छा एक और केस है हमारे पास, राजकुमार करवल वर्सेस राजकुमार करवल वर्सेस कृपा मोहन विश्वानी। राजकुमार, ये भी केस आपके बेरक में है, राजकुमार करवल वर्सेस कृपा मोहन विश्वानी। इस पर्टिकुलर केस में यह कहा गया कि कस्टम ऑफिसर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ऑफिसर अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांसेस एक्ट 1985 के तहत ये जो ऑफिसर्स हैं वो पुलिस ऑफिसर के कैटेगरी में नहीं आएंगे, राइट। एक और केस है स्टेट ऑफ UP, तो कौन कौन पुलिस ऑफिसर नहीं कहलाएगा। Following persons are not a police officer in spite of fact that they have been entrusted with certain power of police officer. No doubt, इन persons को police officer के तरह ही powers मिले हुए हैं, जैसे custom officer, जैसे RPF officer under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. लेकिन ये persons को, इन पर्सन्स को हम पुलिस ऑफिसर नहीं कहेंगे। किन पर्सन्स को हम पुलिस ऑफिसर कहेंगे, तो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम सिवान के केस में कहा गया पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मीन्स दीज पर्सन्स, कौन कौन से, वही पटेल इन बॉम्बे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल और चौकीदार। लास्ट केस है आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि। देखो ये जो हम accused of an offense कह रहे हैं, यानी ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं किसी अपराध के अभियुक्त, तो by accused of an offense we mean, हमारा मतलब क्या है? अगर हम सेक्शन 25 के रिस्पेक्ट में देखें तो accused of an offense या a person accused of an offense का मतलब हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया और उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस पेश किए गए हों। तो एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है और जिसके अगेंस्ट में एविडेंसेस पेश किए गए हैं, उस पर्सन को हम कहेंगे पर्सन accused of an offense। ये चीज क्लियर किया गया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि के केस में, ठीक है? तो ये था आपका सेक्शन 25 और ये थे चार केस लॉज जो कि आपके बैरक में दिए थे। इन चारों केसेस को हमने अच्छे से समझ लिया, राइट? कोशिश करना कि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा केस लॉज को लिख करके आओ, ठीक? अब अपने आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह सेक्शन 26, 27, 28, 29 और 30 इन बचे हुए सेक्शंस को देखेंगे और इस तरह से हमारा जो कन्फेशन के जितने सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट से डील किया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।